ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। रामपुर से दानिश खान की रिपोर्ट के अनुसार रामपुर की जिला अदालत में आज आजम खान से संबंधित कई मामलों में सुनवाई की गई, जिसके बाद सरकारी वकील रामोतार सैनी ने बताया कि आजम खान ने अपनी गैर हाजिरी का प्रार्थना पत्र अपने वकील के माध्यम से अदालत के समक्ष रखवाया, जिसमें अदालत ने अब सख्त रवैया अपनाते हुए आजम खान को अगली तारीख पर हाजिर होने का आदेश दिया है। ADJ 6 के सरकारी वकील ने बताया कि सन 2007 में टांडा में एक जनसभा हुई थी। आजम खान ने यहां कहा है कि मायावती ने मैला ढोने वालों को दरोगा, SP, कलेक्टर बनाकर कुर्सियों पर बैठा रखा है। इस संबंध में वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसके तहत आज तारीख थी, जिसमें आजम खान साहब ने अपने वकील के माध्यम से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया था। इसके अलावा 2 से 3 और मुकदमे जो विचाराधीन थे, उसमें 21/11 को उन्हें व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने को माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है। एक सन 2007 में एक टाणा में जनसभा हुई थी, जो इस मुकदमे के बाद धीरज सिंह ने अपने प्रार्थना पत्र में ये कहा था कि आजम खान ने अपने ये कहा है कि ये मेला ढोने वालों को मायावती ने दरोगा, SP, कलेक्टर बना के कुर्सी पर बैठा रखा है। इस संबंध में धीरज सिंह ने एक प्रार्थना पत्र दिया था, उस पर एक रिपोर्ट कायम हुई थी और रिपोर्ट कायम कराने के बाद में कुछ फाइलें चलने के बाद में इलाहाबाद गई थी। इलाहाबाद में माननीय मोदी आजम खान ने अपनी जमात भी करवा ली है। अब वो फाइलें लौट कर ADJ 6 में आ गई हैं, और जिसमें आज एक तारीख थी, उस तारीख में आजम खान साहब ने अपने वकील के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र हाजिर माफी का दिया था, जिसमें कोर्ट ने उनको यह आदेश दिया है कि अग्रिम 20 तारीख को वो व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हों। इसके अलावा और 2-3 मुकदमे उनके और न्यायालय में आज थे, विचाराधीन थे, उसमें 21/11 को उनको व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने आदेश दिया कि वो स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों, तभी विचार किया जाएगा। अजी, जो 2007 का मामला, ये पूरा मामला क्या था? इस मामले में ये धीरज सिंह ने अपने प्रार्थना पत्र में ये कहा है कि मोहम्मद आजम खान ने जनसभा में ये कहा है कि मेला ढोने वाले लोगों को मायावती ने दरोगा, SP और कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा रखा है। इससे हमारे दलित वर्ग का, पूरे हिंदुस्तान के दलित वर्ग अपमानित हुआ है, इसलिए उसने एक सबसे रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जो न्यायालय में लंबित है। अब इसमें क्या कहा जज साहब ने? जज साहब ने इस मामले में आजम खान साहब ने अपने वकील के माध्यम से प्रार्थना पत्र आज हाजिर माफी का दिया था, उसमें आजम खान के उस प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने कहा है कि 20 तारीख को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों। कहते हैं कि पैसों की जरूरत सभी को होती है, अब चाहे रुपया कैश हो या फिर चेक में, यह बात इंसानों की हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदर किसी की चेकबुक को छीनकर पेड़ पर चढ़ जाए तो यह अजीब बात ही होगी। जी हाँ, कुछ इसी तरह का नज़ारा रामपुर के ट्रेजरी ऑफिस स्थित गेट के सामने देखने को मिला। रामपुर के शहरी क्षेत्र में इन दिनों बंदरों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बंदरों की अटपटी हरकतों से जहां जनता परेशान है, वहीं अब सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मी भी परेशान हो रहे हैं। कुछ इसी तरह का एक मामला जिला कचहरी परिसर स्थित ट्रेजरी ऑफिस गेट पर देखने को मिला। यहां पर कुछ बंदरों ने उत्पात मचाते हुए एक वर्दीधारी की चेकबुक छीन ली और पेड़ पर चढ़कर चेकबुक के टुकड़े टुकड़े कर डाले। बंदरों की हरकतों के चलते बेबस वर्दीधारी पेड़ के इर्द गिर्द घूमता रहा और अंत में उसे नाकामी ही हाथ लगी। वहीं कुछ अन्य लोग भी उसकी परेशानी को देखकर मायूस दिखाई दिए। मेरा नाम सत्यन लाल है। तो क्या हुआ, इधर उधर को भाग रहे थे, क्या मामला था? वो चेकबुक ले गया। कौन? बंदर। बंदर ले गया चेकबुक? तो काफी तादाद में बंदर दिखाई देते हैं, परेशान करते रहते होंगे। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें A1 न्यूज टीवी से। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।